शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान फॉर SSC GD UP SSC अग्निवीर आर्मी आदि परीक्षाओं के लिए चुनिंदा प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, कबक, वायरस, इनमें से कोई नहीं। पोलियो जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, इसका आंसर जाएगा सी। दूसरा है, यूरिया उर्वरक है, यूरिया में सभी लोग जानते हैं 46% नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन इस उर्वरक है और ये ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज की जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, बैंगनी है, पीनाला, इससे करके क्रम है इनका, याद कर लेंगे आप। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, इसको गलगंड रोग भी कहते हैं, घेंगा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए होना ज़रूरी है, क्या होना ज़रूरी है? नाइट्रोजन होना ज़रूरी है, ऑप्शन सी जाएगा, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे नहीं उगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक कंपन से होता है, शारीरिक कंपन से क्या होता है? शारीरिक कंपन से विद्युत, ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कप में दूध वाली चाय और दूसरे कप में बिना दूध वाली चाय है, यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी? यदि वातावरण का तापमान कितना सेंटीग्रेड है, छपा नहीं है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दूध का क्या होता है सिस्टम, दूध 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग जमने लगता है, तो ये दूध वाली चाय जल्दी ठंडी होगी क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होते हैं, दूध एक कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही जमना किसके कारण होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस होता है, खमीर के कारण पावरोटी डबल रोटी बनाई जाती है, फफूंदी, ये फंजाई होता है, इससे कुछ रोग भी होते हैं, और जो ईस्ट होता है वो भी फफूंदी होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, इसका परसेंटेज है 78%, और इसके बाद में ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अब हो गई है, बाकी ये गैसें बहुत सूक्ष्म मात्रा में है बची हुई। अगला है, ओरियन क्या है? ओरियन एक तारामंडल है, ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता ही है पौधा, पानी भी लेता है, सूर्य के प्रकाश के बिना हो नहीं सकती है, क्लोरोफिलिक तो पौधे करते, तो ये सभी ऑप्शन जाएगा। जिसको ये रिएक्शन याद है प्रकाश संश्लेषण की, वो ये सारे क्वेश्चन कर लेगा। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होता है, ये वायुमंडल से O2 लेता, CO2 लेता, 6CO2 प्लस H2O, ये और बनाता क्या है, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। तो अब देखिए क्या क्या जरूरत पड़ी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, इस एरो के ऊपर लिखा होता है क्लोरोफिल, और नीचे लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? काले रंग की, भोजन पकाने वाले बर्तनों की तली इसीलिए काली रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है, ये कैसे किया जाता है,
ये मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हमारी हर वीडियो में 5 से 7 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सिर्फ आप अपना नोट्स तैयार करें, पढ़ाई करें। बस इतना ज़रूर करें कि अगर कोई तैयारी करने वाला बच्चा है उसके पास तक वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बाहर रह करके कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक समस्या है और नौकरी उनको भी चाहिए। हमारा मिशन है हर घर शिक्षा। धन्यवाद।